भदोही जिले में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया है। एसपी ने कई थाना प्रभारी और कई चौकी प्रभारियों का स्थानांतरण किया है। दुर्गागंज और सुरियावा के थाना प्रभारी बदले गए हैं, जबकि गोपीगंज और नथईपुर के चौकी प्रभारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि शनिवार को कई थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें दुर्गागंज थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडे को विवेचना सेल भेजकर नथईपुर चौकी इंचार्ज मनीष द्विवेदी को दुर्गागंज थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। इसी तरह सुरियावा थाने पर तैनात थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह को विवेचना सेल भेजकर गोपीगंज चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार गुप्ता को सुरियावा थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोपीगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक उमाशंकर तिवारी को गोपीगंज के नथईपुर चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह एसपी के पीआरओ सेकंड में तैनात उप निरीक्षक अतुल कुमार पटेल को न्यायालय प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक हरीश चंद्र सिंह को प्रभारी संबंध सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाए जाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में यह बड़ा फेरबदल किया गया है। शनिवार 9 अक्टूबर को भदोही जिले के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान जनपद के सभी थानों पर बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे हुए थे। आयोजन भले ही थाना समाधान दिवस का था, मगर विडंबना है कि ज्यादातर मामले राजस्व विभाग से जुड़े हुए सामने आए हैं। थाना समाधान दिवस के मौके पर शनिवार को डीएम विशाल सिंह दुर्गागंज थाने पर पहुंचे हुए थे और दुर्गागंज थाने पर डीएम विशाल सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुना है। शनिवार को जनपद भर से कुल मिलाकर 102 प्रार्थना पत्र थानों पर सामने आए थे, जिनमें 97 मामले राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे। हालांकि 5 मामले पुलिस विभाग के सामने आए हैं, जिनमें कुल मिलाकर 5 मामलों का पुलिस ने ऑन द स्पॉट मौके पर ही निस्तारण कर दिया है। और जो 97 मामले राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे, उनमें 1 मामले का पुलिस ने निस्तारण कर राजस्व विभाग से जुड़े हुए मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, दुर्गागंज थाने पर जिलाधिकारी विशाल सिंह पहुंचे हुए हैं। दुर्गागंज थाने पर पहुंचकर जिलाधिकारी विशाल सिंह थाना समाधान दिवस के अवसर पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी जैसे ही लोगों को जानकारी हुई कि डीएम विशाल सिंह दुर्गागंज थाने पर पहुंचे हुए हैं, इस दौरान क्षेत्र के बड़ी संख्या में फरियादी थाने पर पहुंच गए थे। हालांकि जिलाधिकारी ने सभी मामलों को बेहद ही शालीनता से सुना और सभी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। जानकारी के मुताबिक जनपद के थानों पर शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस के मौके पर जनपद में कुल मिलाकर 102 प्रार्थना पत्र सामने आए थे, जिनमें ज्यादातर मामले कुल 97 मामले राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे और 5 मामले पुलिस विभाग से सामने आए हैं। हालांकि जो 5 मामले पुलिस विभाग के सामने आए हैं, उन 5 मामलों का पुलिस ने ऑन द स्पॉट मौके पर ही निस्तारण कर दिया है और 1 मामला राजस्व विभाग से ही पुलिस ने मामले को निस्तारण कर दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 96 मामले शेष रह गए हैं जो राजस्व विभाग से जुड़े हुए हैं। बचे हुए मामलों को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम का गठन करके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।